हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे बीबीएमक्यू के यूवी सेमेस्टर वन सेशन 2022-26 में पढ़ रहे हैं, तो उन सभी बच्चों को देखिए जिनका भी कॉमर्स बैकग्राउंड से है या फिर कह सकते जो भी अकाउंट्स जिनका ऑनर्स रखे हुए, तो उन बच्चों को देखिए अकाउंट्स ऑनर्स में क्या क्या पढ़ना है। और जिन्होंने कॉमर्स को जेनरिक पेपर के रूप में रखा हुआ है, तो जेनरिक पेपर या फिर IRCE पेपर में आपको कौन सा सिलेबस पढ़ना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, ताकि इसी प्रकार बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी द्वारा हर अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहले समझ लीजिए, एक बार यहाँ पर ये डाटा दिया हुआ है, इस सिलेबस को कैसे डाउनलोड करना है। मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें पूरा सिलेबस ही लिखा हुआ है कि बीबीएमक्यू यूवी सिलेबस 2022। उस सेशन में जाकर देखिएगा, एक वीडियो आपसे बजे बना हुआ है कि कैसे क्या सिलेबस डाउनलोड करना है, क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक वहाँ बताया हुआ है। तो उस वीडियो को देख कर समझ लीजिए सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है आपको। और बाकी अपने कॉलेज जाकर पता जरूर कर लीजिएगा कि आपको कितने पेपर की एग्जामिनेशन फिलहाल देने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मेजर पेपर एक होने वाला, पहले दो ऑनर्स पेपर होता है, लेकिन अब एक होगा, एक IRCE पेपर जिसे आप जेनरिक पेपर कहते हैं। तो जो मेजर पेपर है हमारा, उसका नाम फाइनेंशियल अकाउंट्स है, ठीक है। उसमें टोटल 6 क्रेडिट पढ़ने हैं। और जो कॉमर्स जिनका जेनरिक पेपर है इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स, वो उनका ये सिलेबस है, ठीक है। अब सिलेबस देखिए क्या पढ़ना है, तो हम लोग जब नीचे जाएंगे, ये IRCE मतलब जेनरिक पेपर जिनका भी रखे हुए इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स, उनको ये पढ़ना है। ये देख लीजिए यहाँ पर यूनिट वन में हमारा बेस स्टडीज है, कंसेप्ट ऑफ कॉमर्स है, बिजनेस एंड प्रोफेशन है, नेचर एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, इस तरह से देखिए यहाँ यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री, यूनिट फोर, नीचे यूनिट फाइव, टोटल 5 यूनिट आप सभी बच्चों जिन्होंने कॉमर्स में जेनरिक रखा हुआ IRCE वन में इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स, उनको ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ने हैं। या फिर जिनका जेनरिक पेपर कॉमर्स में ये मिलते हैं, उन मिलने वाला है, तो उनको ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ने हैं। टोटल 5 यूनिट जो उनको कंप्लीट करने हैं। अब बाकी रहा हमारा जो ऑनर्स पेपर पहले बच्चों रहे, तो देखिए ये फाइनेंशियल अकाउंट का सिलेबस है, जहाँ कंसाइनमेंट है, कंसर्ट ऑफ कंसाइनमेंट है, कंसाइन है, कंसीनर है, जनरल एंटिटीज इन द बुक ऑफ कंसीनर हो गया, ये सारे के सारे टॉपिक यूनिट वन में पढ़ने हैं। फिर यूनिट टू में हमारा अकाउंटिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो गया, मीनिंग हो गया, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हो गया। यूनिट थ्री हमारा पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, ठीक है, ये पढ़ना है। फिर यूनिट फोर में हमारा कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया, डिफरेंस मेटअप कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया। पाँचवा यूनिट हो गया अकॉर्डिंग फॉर ब्रांच कंसेप्ट ऑफ नेचर एंड ब्रांच हो गया, ब्रांच अकाउंट हो गया, ये सारे पढ़ने हैं। फिर यूनिट सिक्स हो गया हमारे यहाँ पर। अब आप बोलिएगा सर कौन सा बुक ले, तो देखिए आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या जिस भी क्लास करते हो, क्लास आपको कॉमर्स में थोड़ा करना ही पड़ेगा, सेमेस्टर वन तो कंपलसरी है, ताकि तब आपको थोड़ा बेसिक आपको मालूम चल पाएगा। तो आप जहाँ भी पढ़ते हैं उस इंस्टीट्यूट में, वो आपको कुछ ना कोई बुक सजेस्ट कर देंगे। फिलहाल अगर नहीं भी लेना चाहते, यहाँ बुक कोई सजेस्ट किया हुआ है, तो आप इनमें से अपना सिलेबस मिला के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था फिलहाल आपका सिलेबस जो मैंने आपके साथ आपको डिस्कस कर दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को।